हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप? तो फ्रेंड्स, मैंने आज का ब्लॉग जो है ना वो मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया है। तो अभी मॉर्निंग का जो हो रहा है समय हो रहा है सुबह के 9 बजने वाले हैं और हस्बैंड अभी सोए हुए हैं और मैं भी, मेरा आज फास्ट है, पूर्णिमा का फास्ट है। तो मैं देखिए एक ग्लास चाय ली हूँ, ये देखिए। और पहले आप लोग को पिला देती हूँ, पी लीजिए आइए, और फिर मैं पी लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग चाय पी लीजिए सुबह का। और सिर्फ मैंने अभी गुड़ और पानी पिया है और अभी मैं चाय पी लेती हूँ। आज मुझे कहीं जाना है जल्दी जल्दी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे काम जो है निपटा लिए हैं और अभी मैं चाय पी के फिर निकलूँगी। लगा लो, छवि मास्क लगा लो। तो फ्रेंड्स, अभी मैं मास्क लगा ले रही हूँ और मैं जा रही हूँ छवि को डॉक्टर के पास लेके। एक मिनट में लगा लेती हूँ, फिर आप लोग से बातें करती हूँ। तो ना मैं छवि को डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। निकालो बेटा, कहाँ गई? कौन पहन लिया है? छवि तुम कौन सा पहनोगी? तो सारा स्लीपर जो है वो काट देगा, इसलिए मैंने ये शू रैक बनवाया था कि इससे जो है सेफ रहेगा। रुपेश आओ, गेट बंद कर लो, आओ। आओ फिर गेट बंद कर लो, आएंगे तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? और मैं जानती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पर अभी ना मैं छवि को लेकर हॉस्पिटल आई हुई हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों लेके आई हूँ, छवि के साथ में क्यों आई हूँ। तो मैं बता देती हूँ कि छवि के पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं वही होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आई हूँ। तो यहाँ से उन्हें दोबारा लाई थी दिखाने के लिए। अभी तो बिल्कुल ठीक है छवि, तो मैं रीचेक करवाने आई थी उनसे। वो बोले थे कि आप 15 दिन बाद इसे दिखा दीजिएगा, तो मैं इसीलिए छवि को लेके आई हूँ यहाँ पर। और ये घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं रहते हैं, तो इसलिए मैं अकेले ही आ गई थी दिखाने। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं घर पर आ गई हूँ और मैं दिखाती हूँ आपको। मैं जैसे ही घर पहुँची ना, वैसे थोड़ी देर में बहुत ज़ोर की बारिश आई। मैं दिखा रही हूँ बैक कैमरे से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने घर मैं मतलब जैसे घर में आई वैसे ही बारिश शुरू हो गई। ये देखिए, बारिश का कोई मौसम भी नहीं था। सुबह में तो धूप बहुत अच्छी खासी खिली थी। और यहीं पर देखिए छवि बैठ के खेल रही है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए बारिश हो रहा है, यहाँ पे छवि बैठ के खेलना शुरू कर दी है। तो अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ ना कि मैं चली गई थी रुपेश के भरोसे घर छोड़ के कि वो घर देखेगा, तब तक मैं डॉक्टर के पास से आ जाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पर ये क्या किए हुए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठंडी लग रही थी तो ये ओढ़ लिया था, उसके बाद से फिर फेंक के, और ये सो रहा है। और रुपेश को मैंने दिखाया ना वो कैसे सो रहा है, उसे बिल्कुल चिंता नहीं है। पर गेट बंद था, ऐसा नहीं है कि गेट उसने बंद नहीं किया था। तो अब मैं चलती हूँ चाय बना लेती हूँ। मैंने बताया था ना कि आज मेरा फास्ट है पूर्णिमा का, तो मैं अपने लिए चाय बना लेती हूँ। और ये देखिए मैं मूँगफली का दाना लाई हूँ, इसी को अभी मैं भून लेती हूँ और मैं खा लूँगी। तो अभी चलते हैं चाय और मूँगफली का दाना भून के खा लूँगी, फिर उसके बाद से इन लोग के लिए कुछ बनाऊँगी। रोटी वगैरह बना गई थी, सिर्फ मुझे सब्जी बनानी है। तो चलिए। तो अभी मैंने गैस को ऑन कर लिया है और ये जो है ना एक पाव मूँगफली है, तो मैं इसे भून के रख लूँगी,
पूरा नहीं खाऊंगी, थोड़ा खाऊंगी, थोड़ा रख लूँगी, दोपहर में या शाम तक खाऊंगी। और हस्बैंड पपीता लाए थे तो वो भी मैं खा लूँगी, कल एक ही पीस हमने खाया था। ये देखिए फ्रेंड्स, मूंगफली दाना जो है मैंने भून लिया है, गैस मैंने ऑफ कर दिया है और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ाया है। जो सुबह का बर्तन था ना, मैंने उसी में ही चाय बिठा दिया, तो लो मीडियम पे छोड़ देती हूँ। और हस्बैंड उठ गए हैं और मैं बिस्तर थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, उनके उठने के बाद ही बिस्तर साफ़ करती हूँ। तो जब तक चाय बन रही है तब तक मैं बिस्तर साफ़ कर लेती हूँ। तो हस्बैंड ना अभी सो के उठे थे, वो रात में काफ़ी लेट आए थे, शायद 12-12:30 बजे आए थे, तो इसलिए मैं उन्हें जगाई नहीं। और जब मैं डॉक्टर के पास से आ गई और 10 बजे तक वो जग भी गए थे। तो इधर चाय बन गई है, तो आइए आप लोग मेरे साथ मूंगफली का दाना और चाय की चुस्कियाँ लगाइए। और वाकई में बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी फास्ट हमें रहना चाहिए। और अभी छवि आ गई है बाल बनवाने के लिए, तो मैंने अभी साइड में रख दिया, बाद में खाऊंगी, पहले छवि का बाल जो है ना वो बना दूँ। बाल तो मैं सुबह उसका बनाई थी, पर वो बोल रही थी कि मम्मी बिगड़ गया, बस ऐसे ही बिना कंघी के ही आप मेरे बालों को मतलब जो है रबड़ लगा के पोनी बना दीजिए। तो अभी मैं बाल बना लेती हूँ, फिर चाय पी लूँगी, फिर लंच कुछ बनाऊँगी। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ और कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है। जब कढ़ाई गर्म हो गई है तो इसमें मैंने मेथी का तड़का मारा है और फिर मैंने लहसुन मिर्ची का इसमें तड़का लगा दिया है और दूसरी तरफ दाल को भी मैंने तड़का लगा दिया। दाल जो है मैंने आज थोड़ा बनाया था, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज बच्चे जो थे वो बोल रहे थे कि मैं भुजिया चावल खाऊँगा, तो इसलिए सिर्फ हस्बैंड के लिए मैंने दाल बनाया है। और आज मैं आलू और बैंगन की भुजिया बना रही हूँ, तो अभी मैंने आलू बैंगन डाल दिया है जब मिर्च लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने के बाद, और फिर मैं इसे अच्छी तरीके से चला लूँगी। और सिंपल सी भुजिया बना रही हूँ, सिर्फ मैंने इसमें हल्दी पाउडर और नमक डाला है स्वाद के अनुसार, और कुछ भी मैंने नहीं डाला है। और इसे फिर मैं सुनहरे गोल्डन कलर का होने तक मैं इसे चला चला कर भुजिया को जो है फ्राई कर लूँगी, फ्राई नहीं बस ऐसे बना लूँगी। और ये फ्रेश मूली के पत्ते हैं, तो इसे मैं जब आलू पक जाएगा तब मैं लास्ट में डालूँगी। और इसे डालने के बाद ज़्यादा मैं पकाऊँगी नहीं, बस थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए जो पत्ता है, फिर मैं बंद कर दूँगी गैस को। और ये भुजिया तैयार हो गई है, बहुत टेस्टी लगती है। भुजिया बनती ही छवि को भूख लग गया, तो मैंने उसे जो लंच कहिए या नाश्ता कहिए वो मैंने दे दिया है, बाद में दाल चावल खा लेगी। फिर मैं सिंक को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सिंक जो है बर्तन से फुल हो गया था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर आप सभी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, तो बाय।